हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एचआरएम की बुक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड आपकी 10 बुक्स इंट्रोड्यूस की गई हैं। और ये 10 बुक्स हैं, नोट्स नहीं हैं। और मैं आपको ये सारी की सारी बुक्स की जर्नी के थ्रू आपको एक ओवरव्यू आपके सामने रखना चाहूँगी, ताकि आप इनको बाय करने से पहले एक बार अपने आप को कॉन्फिडेंस मिलें, तभी आप बाय करें। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पेपर वन की बुक्स का एनालिसिस कवर अप कर लिया है, ये हमारी पेपर टू की बुक्स हैं। ठीक है, पेपर टू में आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए ओटी और ओबी हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, ये पार्ट बी का पार्ट है एचआरएम। ठीक है, तो चलिए इस बुक को देखते हैं हम। तो पहला जो मेन एरिया कि क्या आपका जो सिलेबस का पार्ट है इस बुक में कवर अप है। ठीक है, ये कई बार स्टूडेंट्स किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करते हैं साइमल्टेनियसली, और उनके मन में ये क्वेरी आती है कि भाई क्या मेरे एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो इस इंडेक्स से मैच हो रहा है, इंडेक्स में अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंटर हम ये देखेंगे कि क्या क्या पॉइंटर्स जो हैं आपके सिलेबस में है यूपीएससी स्पेसिफिक, और अदर स्टूडेंट्स भी इसको रिव्यू कर सकते हैं, और इंडेक्स में क्या क्या मेंशन है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका मीनिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ एचआरएम। तो ये आपके इंडेक्स में मेंशन है, आप देख सकते हैं 62 पेजेस हैं, डरिएगा मत, इंट्रोड्यूस कराऊंगी सारी चीज़ को डिटेल में, मीनिंग नेचर एंड स्कोप। उसके बाद सेकेंड है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, तो आपका इंडेक्स में है सेकेंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। थर्ड में आपका है जॉब एनालिसिस, तो इंडेक्स में थर्ड पॉइंट आपका जॉब एनालिसिस है। फोर्थ पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन, तो हम इंडेक्स में देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट आपका जॉब स्पेसिफिकेशन है। सिक्स पॉइंट आपके सिलेबस में है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इंडेक्स में हम देख सकते हैं सिक्स पॉइंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिलेबस में सेवन्थ पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस, तो आप सेवन्थ पॉइंट देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद एट पॉइंट है आपका ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, तो एट्थ पॉइंट ओरिएंटेशन को सेपरेट कवर अप कराया गया है और प्लेसमेंट को सेपरेट कवर अप कराया गया है। ठीक है, एट एंड नाइन। नाइन्थ पॉइंट है आपके सिलेबस का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो टेंथ पॉइंट हमारे यहाँ पे हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 11th पॉइंट है आपके सिलेबस का परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड 360 डिग्री फीडबैक, तो ये आपका 11th पॉइंट में परफॉर्मेंस अप्रेजल आप देख सकते हैं और 360 डिग्री फीडबैक। 11th पॉइंट है आपका सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम देख सकते हैं सैलरी एंड वेज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कवर अप है। 12th है आपका जॉब इवेल्युएशन, ये देख सकते हैं आपका जॉब इवेल्युएशन। एंड 13th पॉइंट है आपका एम्प्लॉई वेलफेयर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सेपरेशन। सो एम्प्लॉई वेलफेयर, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड सेपरेशन, और कुछ ऐसे टॉपिक जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो एक या एक से ज़्यादा चैप्टर्स में हैं, या उस समय के न्यूज़ के पॉइंट थे बट रिलेवेंट हैं, आपके नॉलेज में होने चाहिए, या इंटरव्यू में पूछे गए ऐसे कुछ पॉइंटर्स थे जो आपके प्रीवियस ईयर का पार्ट भी रहे हैं, उन्हें इसमें कवर अप किया गया है। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंडेक्स है। अगर आपको ये बुक रेफर करनी है तो आप ये बुक का इंडेक्स देख सकते हो। ठीक है, अब पहला जो स्टूडेंट का मेन एरिया रहता है कि क्या हमारा सिलेबस कवर अप कर रहा है, तो आप इंडेक्स देखते हो, तो ये इंडेक्स से आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद सेकेंड क्वेरी कि क्या इसका प्रेजेंटेशन हैपेज आर्ट है और क्लियर है, तो हमने देखा इसका प्रेजेंटेशन क्लीन एंड क्लियर है, आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। हेडर एंड फूटर में ये प्रॉपर मार्जिन एंड स्पेसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने सेल्फ नोट्स लिखनी है या स्टार्ट होता है चैप्टर, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर स्पेसेस दिए हुए हैं, तो आपने सेल्फ नोट लिखनी है तो इसके लिए भी आपके पास प्रॉपर स्पेस है। प्रेजेंटेशन क्लियर है, इंटरेस्ट क्रिएट करेगा रीडर का। ठीक है, क्योंकि क्लियर होता है तो आपको अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना थिंग्स में बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड जो पॉइंटर आता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि केवल एक्सट्रीम लेवल पे जंप कर दिया, यूपीएससी की एक्सपर्टीज़ लेवल पे या किसी एक्सपर्टीज़ प्रोफेशनल लेवल पे जंप कर दिया, तो मैं उससे इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि इंट्रोडक्शन में पहले आपका बेसिक हिस्ट्री कवर अप किया है, फिर उसके बाद जो है ऑथर्स के वर्डिक्स भी कवर अप किए गए हैं यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, उसकी मीनिंग है
ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, उसकी मीनिंग है, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स देखने पड़ते हैं ह्यूमन कैपिटल के लिए, कैसे ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है ना, इम्पोर्टेंस क्या है ह्यूमन कैपिटल का, ठीक है, फिर ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, HCM जो आपकी मेनली सिलेबस का पार्ट है ना, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट का डिफरेंस, ठीक है, फिर कैसे जो ये ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो बेनिफिशियल या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके लिए हो सकते हैं, इसमें स्कॉलर के वर्डिक्स भी इंक्लूड किए गए हैं, है ना, बिल गेट्स के कुछ वर्डिक्स थे वो भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, तो आपने देखा ये आपको बेसिक से कवर अप करवा रहे हैं, फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ, नेचर को अलग कवर अप कराया गया है, पहले तो पॉइंट्स दिए हैं 11, फिर इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया है, इसमें एक बार अंडरस्टैंड कर लो और आप अपना जो है प्रॉपरली उसे कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल। तो आपने देखा कि जो थर्ड आपका क्वेरी रहता है कि क्या ये बेसिक से कवर अप कराया या जम कराया, तो मैंने आपको कनेक्ट करा दिया कि बेस से कवर अप की गई है, ठीक है, और हेडर और फुटर में प्रॉपर स्पेस है, आपको नोट्स बनाने के लिए भी हम जनरली रेफ़र नहीं करते स्टूडेंट को कि आप एक्स्ट्रा मटेरियल बनाओ, क्योंकि एग्ज़ाम में जब वो टाइम कम होता है तो आप बुक्स ही खोजते रह जाते हो और एक एक पेज पलटने पर उस वक्त आपको वैल्यू पता चलती है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो चीज़ पहले ही ध्यान रख करके आपने हेडर एंड फुटर पे प्रॉपर स्पेस छोड़ी गई है और हर जगह पे जहाँ पे पॉसिबल हुआ है वहाँ पे स्पेसेस प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स एंड ऑथर्स के, ठीक है, वर्डिक्स हैं, मैनेजमेंट रिलेटेड वर्डिक्स इन बिटवीन किए गए हैं ताकि आप उसका जो है फोकस करके उसे एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट कर सकें प्रॉपरली, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना, कई बार इम्पॉर्टेंस ऐसे ही दे दिया जाता है कि आपने इम्पॉर्टेंस लिखा, लेकिन यहाँ पे प्रस्पेक्टिव वाइज इम्पॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पॉर्टेंस है, इंडिविजुअल के लिए कैसा है, सोसाइटी के लिए कैसा है, नेशन के लिए कैसा है, ठीक है, आपकी थिंकिंग लेवल को भी ब्रॉडन किया जा रहा है, डिफरेंसेस हैं कई तरीके के, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, आपका जो मैं एक बार ओवरव्यू, एक बेसिक ओवरव्यू मैंने आपका करा दिया, ठीक है, ये हार्वर्ड मॉडल आपका, ठीक है, ये हार्वर्ड मॉडल हमने देख लिया, एडवांटेज भी देखा, ठीक है, गेस्ट मॉडल हो गया ये आपका, ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये कनेक्ट करा दिया, ये स्टोरी हार्ड एंड सॉफ्ट HRM क्या होता है, ठीक है, फॉर्मूला जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है वो फोकस करा दिया गया है, जैसे यहाँ पे सॉफ्ट HRM में रिवीजन कर लिया पीपल फोकस्ड और हार्ड HRM टास्क फोकस्ड, ऐसे ही जो है स्ट्रैटेजी और टिप्स एंड ट्रिक्स जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, तो ये भी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया कि बेसिक से लेकर के आपके बुक में है, प्रॉपर स्पेस मार्जिन है, तो स्टूडेंट की एक और क्वेरी रहती कि क्या मैम इसको लेने के बाद नोट्स बनाना है, नहीं, ठीक है, आप नोट्स बनाने पे टाइम मत फोकस करना, बुक इज सफिशिएंट, बुलेट पॉइंट्स और बोल्ड्स हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है आपकी इंडिविजुअल की वहाँ पे हाईलाइट करना, न्यूज़ के अपडेट्स आपके पास आएंगे, वो अपडेट्स के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है वो आपने अपना जो है हेडर और फुटर का प्रॉपर स्पेस मार्जिन यूज़ करके आप उसे लिख सकते हो, सेपरेट मटेरियल मत बनाना, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी आपको फील नहीं होता, आप बनाते चले जाते हो कि चलो A4 शीट्स में एक एक्स्ट्रा नोट्स, नहीं, वो वन डे रिवीजन की जो मैं ट्रिक्स क्रिएट करूँगी, और मैंने आपको लास्ट सेशन में भी ये बताया था कि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक ट्री डायग्राम टाइप्स लेकर के आऊँगी जो स्टूडेंट बुक्स रेफर कर रहे हैं, बट आई कॉन्ट प्रॉमिस यू कि मैं कब तक लेकर आऊँ और आपका कौन से अटेम्प्ट में आप बैठ रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपका नियरेस्ट अटेम्प्ट होगा तो हर एक स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा जिन्होंने बुक्स बाय की होगी, इसलिए हम ईमेल आईडी स्टूडेंट का ले लेते हैं ताकि कोई अनाउंसमेंट हो तो हम उन्हें डायरेक्टली उन्हें ईमेल कर सकें, इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहती है कि आप ईमेल से कनेक्टेड रहें, तो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल जितना सपोर्ट होगा मैं करूँगी, अगर आपके अटेम्प्ट तक हमारा सेशन नहीं हो पाता रेडी, एक्स्ट्रा सपोर्ट हम आपको ऐसे नहीं दे पाते, तो हम एक लाइव सेशन लेंगे जहाँ पे हम आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे आपको ट्री डायग्राम बनाना है और कैसे ही उसको अप्लाई करना है एग्ज़ाम हॉल में भी अपने अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि लीस्ट पॉसिबल टाइम में आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सको, ठीक है, तो ये अभी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं कब तक लेकर के आऊँगी, इसलिए
जो स्टूडेंट अगर नियरेस्ट अटेम्प्ट के होंगे तो उनके लिए मेरी कोशिश रहेगी कि आप ना ईमेल में एक्टिव रहें और आपको अपडेट किया जाएगा और उसका बेनिफिट लें, उसमें पार्टिसिपेट करें, ठीक है। सेशंस का बेनिफिट लिया करें, अदरवाइज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सबको ऑलवेज़ हर समय हर वक्त मैं इंडिविजुअली अवेलेबल हो जाऊँ। तो जो भी सेशन हो उसका बेनिफिट उठाओ, जितना क्वेरी पूछना है उस सेशंस में पूछो, ठीक है। तो मैंने आपको ये इंट्रोड्यूस करा दी आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक, ठीक है। एक बार मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ तो आपको प्रॉपर जो है आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आई होप आई हेल्प यू, ठीक है। तो ये हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है। तो इसके अलावा जो डिपेंड्स आप कौन सा कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं, तो न्यूज़ का सपोर्ट है, NCERT का कवरेज है, अदर टाइम टू टाइम सपोर्ट जितना पॉसिबल होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आपने क्या करना है, जस्ट आपने फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट हम यहाँ पे आपको शेयर करते रहेंगे। आपने कहीं और आप एक्टिव नहीं हो ड्यूरिंग बिकॉज ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आपने क्या सिर्फ एटलीस्ट अगर आप UPSC के स्टूडेंट हो और ऑप्शनल आपने कॉमर्स चूज़ किया, उसकी प्लेलिस्ट को एक्टिव रखो बस, कि प्लेलिस्ट में कुछ भी अपडेट हो वो आपको इन्फॉर्म हो, बाकी भले सारी चीज़ें ना भी हो तो इट्स ओके, है ना। तो ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, मैंने जैसे प्रॉमिस किया था मैं सारी बुक्स की जर्नी के थ्रू आपको लेके जाऊंगी, और ताकि मैं चाहती हूँ कि आप अगर एक बार बुक ले लें तो आपका पूरा फोकस प्रिपरेशन पे होना चाहिए, 100% ट्रस्ट हो तो ही आप इसके साथ आगे बढ़े, अदरवाइज़ आई वोंट रिकमेंड यू कि आपने एक मटेरियल ले लिया, दो ले लिया, तीन ले लिया और अपने घर में एक जो है बुक स्टोर ओपन कर लिया, आई वोंट सजेस्ट। अगर आपको सच में ये सपना पूरा करना है तो आपको अपनी स्मार्ट एंड स्मार्ट स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करनी होगी, ठीक है। तो ये बुक का मैंने आपको ओवर अप दे दिया है, ठीक है, होलिस्टिकली ओवरव्यू आपको दे दिया है। अब आप एक ऑफिसर बनेंगे अपने पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को, और ओवरऑल एक अपने देश की ओर आपने आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी मायने रखती है, तो आपके इंडिविजुअल के लिए आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, इसीलिए ये सारे वीडियो सेशन मैं ला रही हूँ ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकें, ठीक है। हमारे जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं हम उनको जनरली ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो है सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रह के आप सिर्फ हमसे ईमेल के थ्रू और ये यूट्यूब की प्लेलिस्ट, एक ये दो ही मीडियम के थ्रू आप हमसे एक्टिव में कनेक्टेड रहें, बाकी सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप ऑफ कर सकते हैं, हम आपके थ्रू आपसे कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो बुक है, UPSC कॉमर्स ऑप्शनल की बुक, ठीक है, ये बुक है, स्पेसिफिक बुक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बुक से आपको इंट्रोड्यूस करा है, और भी सारे सेशंस कवर अप हो चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और अगर परचेज़ करने की बात आती है तो स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है, मैं आपको फिर से इन्फॉर्म करूँगी, अगर आपने चाहो तो आप फ्लिपकार्ट में, डिपेंड्स ऑन स्टॉक अवेलेबिलिटी, वो हमारी पार्टनरशिप है, हम उनको जो है सेल के लिए देते हैं, वहाँ पे वो जो है अपनी फ्लिपकार्ट की कमीशन प्लस उनकी पैकेजिंग, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा आपको, वो आपको देखना होगा, और अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं, उस पर आप टीम को व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट होकर आप उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टीम सपोर्ट है, मैं आपको लाइव मिलूंगी सिर्फ लाइव सेशंस के थ्रू, तो कोई भी सेशंस कंडक्ट होता है आप उसका बेनिफिट लेंगे, ठीक है। तो आई होप आई हेल्प यू, अगर आपकी कोई भी क्वेरी अनआंसर्ड रह जाती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो एक और बुक बचती है हमारी IR की, मैं आपको उसे भी कनेक्ट करूँगी ताकि मैं आपको फुल जो प्रॉमिस्ड मेरा सपोर्ट था मैं आपको वो दे पाऊँ, ठीक है। सो टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।